और शिव को मोहिनी इतने पसंद आई थी कि वो दोनों के भी एक बेटे हुए जिनका नाम अयप्पा था, जिनको लोग साउथ इंडिया में बहुत पूछते हैं। और फिर ये हैं उर्वशी, उर्वशी जो कि इंद्र की पसंदीदा अप्सरा थी, बट उर्वशी की माँ नहीं थी, उर्वशी दो नर से पैदा हुई थी, नर और नारायण दो योद्धा थे, उनके तेज से वो पैदा हुई थी उर्वशी। ये हैं हरिहर जो कि विष्णु और शिव के सम्मिलित रूप हैं, आप इनका मंदिर भी जानते होंगे, गंगा उस पार हरिहरनाथ है, वहाँ विष्णु शिव दोनों एक साथ विराजते हैं। और फिर ये हैं छिन्नमस्तिका जो कि 10 महाविद्या में से एक आती हैं, और 10 महाविद्या हम लोग तंत्र विद्या में यूज़ करते हैं, तो ये उनमें से एक आती हैं छिन्नमस्तिका। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिसोर्ट्स। आज मैं आई हूँ भारतीय नृत्य कला मंदिर। जी हाँ, यहाँ प्राइड मंथ को सेलिब्रेट किया जा रहा है और आप हमेशा LGBTQ कम्युनिटी को बस उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ते आपने देखा होगा, लेकिन आज वो अपना आर्ट भी दिखा रहे हैं। और मेरे साथ हैं कौशिक। और कौशिक जितने खूबसूरत और हैंडसम है उनका आर्ट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है ना कौशिक। चलिए तो उनके आर्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। कौशिक, पहले तो आइडेंटिटी के लिए लड़ो और उसके बाद ये बेहतरीन काम करो, मतलब भाई सैल्यूट है आपको। थैंक यू। मतलब ठीक ही है, अब आइडेंटिटी के लिए लड़ना तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट मेरा एटलीस्ट। ये सबसे बेस्ट बात है कि आइडेंटिटी के लिए ना नॉर्मल है, वो छोड़ दीजिए, अब अपने करियर पे फोकस कर, आर्ट को देखते हैं। हाँ भाई, अब उस पे काम करते हैं, मतलब अब हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ। हाँ, नॉर्मली नॉर्मली बात करते हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। जैसे हम लोग का पूरे एग्जीबिशन का थीम है प्राइड, बट मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से प्राइड इज नॉट एवरीथिंग अबाउट रेनबो। जैसे रेनबो का फ्लैग है, बट मेरा था कि रेनबो फ्लैग को नहीं दिखाना है क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट है, और मतलब वो जनरल भी हो सकता है, लाइक वैसे नहीं कि अगर हम गे हैं या कुछ भी हैं तो हम लोग को अपना झंडा लेके चलना है। वो चल ठीक है, आइडेंटिटी अपना हम लोग बोलने आउटस्पोकन हैं, बट ठीक है वो नॉर्मल भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा वही था, मैं हम एज इन मिथ से हम ज़्यादा रिलेटेड रहे हैं, तो माइथोलॉजी के बहुत सारे बुक्स हम पढ़ते रहते हैं। तो ये जैसे कि एक मेन पेंटिंग बनाना था हम लोग को, तो ये मेन पेंटिंग है मेरा, मेन इस माइथोलॉजी के हिसाब से ये है पूर्ति की देवी। आप कोई मूवी देखी होंगी तो उनमें भी था ये, तो पूर्ति की देवी कहते हैं कि छोला कोट देवी देवता जितने भी हम लोग के हैं वो सब इन्हीं से पैदा हुए थे। अच्छा। और वो सभी देवी देवता हम लोग के कम्युनिटी से ही आते हैं, लाइक कोई भी देवी देवता एक लिंग में समाहित होके पूरा नहीं है, वो अपना हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, और वो सब वो दर्शा रहा है ये। अच्छा। जैसे कि ये हैं मोहिनी, आप सब जानते हो कि मोहिनी विष्णु भगवान थे, विष्णु भगवान मोहिनी का रूप तब लिए थे जब भस्मासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, और जब खुद शिव उनको नहीं मार पाए थे, और शिव को मोहिनी इतने पसंद आई थी कि वो दोनों के भी एक बेटे हुए जिनका नाम अयप्पा था, जिनको लोग साउथ इंडिया में बहुत पूछते हैं। और फिर ये हैं उर्वशी, उर्वशी जो कि इंद्र की पसंदीदा अप्सरा थी, बट उर्वशी की माँ नहीं थी, उर्वशी दो नर से पैदा हुई थी, नर और नारायण दो योद्धा थे, उनके तेज से वो पैदा हुई थी उर्वशी। ये हैं हरिहर जो कि विष्णु और शिव के सम्मिलित रूप हैं, आप इनका मंदिर भी जानते होंगे, गंगा उस पार हरिहरनाथ है, वहाँ विष्णु शिव दोनों एक साथ विराजते हैं, तो वो भी एक साथ। और फिर ये हैं छिन्नमस्तिका जो कि 10 महाविद्या में से एक आती हैं, और 10 महाविद्या हम लोग तंत्र विद्या में यूज़ करते हैं, तो ये उनमें से एक आती हैं छिन्नमस्तिका। तो ये पूरा हम लोग थीम पे एज इन हो गया। तो ये पेंटिंग तो आपने देख ली और काफ़ी खूबसूरत है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि हम ये करते हैं? ये जैसे हम बोले कि बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो जैसे जब पता चला कि भाई प्राइड का थीम करना है, तो तुरंत मेरे माइंड में आया कि मतलब रेनबो नहीं बनाने, क्योंकि मेरा रेनबो सब जानते हैं। हाँ, वो जानता ही है कि वो ही, हाँ सब जानते हाँ, तो भाई तो अजेंडर है ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो रेनबो है ही हर जगह, तो फिर अब हम ही कर देंगे, तो फिर तो इसीलिए हाँ हाँ तो भाई। और फिर तो रेफरेंस वहीं से आए कि जितना बुक्स पढ़े हो सब वो थोड़ा देखे, स्टोरी जाने, फिर दोनों कनेक्ट किए कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, फिर जितने मूवीज देखे थे वो सब कैसे कनेक्ट हो सकता है, तो वो कनेक्ट करके एक पेश कर दीजिए। अच्छा कौशिक, आप ये बताओ आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? लाइक आर्टिस्ट का मैं पेंट करना मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये हम साइड में करते हैं एज इन बेसिकली। हाँ, बेसिकली मेरा सीए का चल रहा है तो वो कंप्लीट करना है, और पीजी मेरा जूलॉजी में चल रहा है वो कंप्लीट करना है, तो मेरे को चाहिए डॉक्टर सीए, मेरा टैग चाहिए डॉक्टर सीए। डॉक्टर सीए कौशिक, मतलब फ्यूचर में उनसे बात करना। हाँ, वो टैग चाहिए, वो मेरा ड्रीम काइंड ऑफ। अच्छा, एक बताइए ये टैग जो लेना है, क्या अगर LGBTQ कम्युनिटी से नहीं रहते तो ये टैग लेने में ज़्यादा ईजी होता, या अपने पर्सनैलिटी को ऊपर करके तब टैग ले रहे हैं, क्या मतलब? वो नॉर्मली है क्योंकि वो तो क्वालिफिकेशन पे आएगा ना, वहाँ कोई मेरा वीप थोड़े देख रहा है जब जाते हैं तो, या फिर नहीं क्लासेस में एज इन लगता है सबको ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा, बट एज पर माय एक्सपीरियंस
लोग ठीक हैं, ओके हैं, हाँ वो सही है, क्योंकि हम वहाँ क्वालिफाई करें, वहाँ मेहनत से गए हैं, वहाँ एग्जाम पास करके गए हैं, वहाँ कोई कैसे बोलेगा कि मतलब तुम इस कम्युनिटी को हम तुमको नहीं आने देंगे, हम एग्जाम पास करके बने हुए तो एग्जाम पास करके ही बनेंगे ना, तो वो तो मेरा मेरिट है, वो हम जैसे भी करें वो मेरे ऊपर, हाँ नहीं वहाँ कुछ ऐसे नहीं। और सीए प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें तो कास्ट का ये भी नहीं है, उसमें तो ये भी नहीं है, रिजर्वेशन भी नहीं है, रिजर्वेशन भी नहीं है सीए में, तो ये तो बहुत दूर की बात है। तो चलिए, आपको कौशिक से ये चीजें तो बहुत सीखनी थी, बहुत हो गई यार आइडेंटिटी की लड़ाई, अब थोड़ा करियर पे फोकस करें। और करियर ही तो मेन चीज है, आइडेंटिटी तो ना हम खुद हैं ना, हम खुद ही तो हैं। तो आपको कौशिक से मिलके, कौशिक से बात करके कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।